हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि आज के इस ब्लॉग में आपको श्री श्री राधा रमण बांके बिहारी मंदिर, जिसे हम इस्कान मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे ये अंसल गोल्फ सिटी में ही स्थित है, वहाँ पर आज आपको दर्शन कराएँगे उस मंदिर का। और गाइज मैं बता दूँ कि यह जो मंदिर है अंसल गोल्फ सिटी के अंदर ही स्थित है। तो गाइज मैं आपको थोड़ा बहुत अंसल गोल्फ सिटी का व्यू दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि यहां से कितनी दूरी पर है यह मंदिर। गाइस चलिए चलते हैं और मैं दिखाता हूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारा श्री श्री राधा रमण बांके बिहारी जी मंदिर है, जिसे हम इस्कान मंदिर के जानते हैं, यह लखनऊ सिटी के गोल्फ सिटी में ही स्थित है। और ये देखिए अभी हम हैं लखनऊ के गोल्फ सिटी, और ये देखिए गाइस ये है थोड़ा बहुत, ये मैं आपको दिखाता हूँ गोल्फ सिटी का नज़ारा। और गाइस मैं आपको बता दूँ यह जो गोल्फ सिटी है यह लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप है। और गाइस ये देखिए मैं आपको कुछ यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए। और गाइस ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो हमारा इस्कान मंदिर है, जो श्री श्री राधा रमण बांके बिहारी जी का मंदिर है, यह करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है, और ये यहाँ से सीधे ही हमें जाना है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में आपको वहीं पे ले चलूँगा और मैं वहाँ का आपको कुछ सीन दिखाऊँगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये देखिए सामने हमारा शहीद पथ है, शहीद पथ के सामने ही हमारा ये गोल्फ सिटी है पूरा ये, और इसी गोल्फ सिटी के से हम सीधा होके जाएंगे। तो गाइस चलते हैं और मैं आपको थोड़ा रास्ता भी दिखाता हूँ, बाइक से हम जाएँगे और मैं आपको बीच में रास्ता भी दिखाता हूँ। गाइज फाइनली हम आ गए हैं श्री श्री राधा रमण बिहारी जी इस्कान मंदिर के पास। और गाइज मैं आपको दिखाता हूँ आज पूरा भी बैक कैमरे से देखते हैं, ये है श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर जी, जिसको हम इस्कान मंदिर इस्कान टेंपल भी बोलते हैं, ये देखिए। और इसके बाहर कुछ ऐसा सीन है, ये देखिए ये है हमारा पूरा। और अभी हम चलते हैं अंदर और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ पूरा यहाँ का। और ये है इसका एंट्री गेट मंदिर का, ये देखिए। और गाइस हम फाइनली मंदिर के अंदर एंट्री हो गए और आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर कितनी हरियाली है। और ये देखिए ये रोड बना हुआ है जाने के लिए अंदर। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ से इधर से हम एंट्री हुए हैं, ये हमारा एंट्री गेट था। और ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, ये देखिए। काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल बनाया गया है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, इधर ये देखिए। और गाइस अभी हम आ गए हैं, ये देखिए श्री श्री राधा रमण बिहारी जी मंदिर श्री कृष्ण माटिया के कई जो मेन गेट है वहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए। ये ऐसा है कुछ यहाँ पे, सामने हमारे देखिए। और गाइस मैं बता दूं कि ये मंदिर का सेकेंड एंट्री गेट, और ये देखिए यहाँ से हम अंदर चलते हैं। और ये देखिए काफी हरियाली है, देखिए पूरा ये बना रखा है यहाँ पे। और अंदर ये हमारा इस्कॉन टेंपल, और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है हमेशा
खुला रहता है। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, और दोपहर में केवल 2 से 4 जो है उस टाइम आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस समय भजन कीर्तन होकर चलता रहता है। ये देखिए पूरा मंदिर का एक व्यू है गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यह जो मंदिर है यह करीब करीब 4.5 एकड़ में बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया है। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये जो मंदिर है अभी, ये देखिए ये जो मंदिर बन रहा है अभी यहाँ पे, यही मंदिर अभी बन रहा है, और इसी में फिर ये मंदिर बनने के बाद बाँके बिहारी श्री कृष्ण जी को यहीं पर स्थापित किया जाएगा, जो इनका मेन मंदिर जो बन रहा है अभी। और आज फाइनली हम मंदिर के पास आ गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमारा जूते चप्पल वगैरह उतारने के लिए। चलते हैं, जूते चप्पल वगैरह उतारते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इस मंदिर का पूरा ये जो टाइम टेबल है वो दिखाता हूँ। ये देखिए मंगल आरती प्रातः 4:30 बजे, दर्शन आरती 7:30 बजे, श्रीमद भागवत पाठ 8 बजे, राजभोग आरती, ये सब जितने भी है टाइम वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ये देखिए ये पूरा टाइम टेबल वगैरह दिया हुआ है, और आप फाइनल देख सकते हैं। ये हमारा इस्कॉन टेम्पल का ये मंदिर अंदर का है पूरा, ये देखिए प्रवचन वगैरह चल रहा है अभी, ऐसा है कुछ है। ये देखिए भाई और गाइस बता दूं कि ये हमारा मंदिर के अंदर ही लाइब्रेरी, यहाँ पे बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं, और यही आप यहीं पे आप बुक्स वगैरह लेके पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए ऐसा है कुछ है। यहाँ पे भगवान के प्रसाद में गेट के पास मिल जाएगा। ये देखिए आपको बता दूं कि इस मंदिर के अंदर ये जो गिर प्रजाति की जो गायें हैं ये काफ़ी ही आकर्षण का केंद्र है, और ये जो गायें हैं ये गुजरात से लाई गई थी, केवल 4 गाय ही लाई गई थी यहाँ पे। और गाय अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कितनी गायें हैं यहाँ पे इस गौशाला में, ये देखिए। और गाय मैं आपको बता दूं कि इस गाय के दूध बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। ये देखिए बहुत सारी गाय हो गई, ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाय हैं यहाँ पे, ये देखिए। टेंपल जो बनना है उसको ये बन रहा है अभी, ये देखिए बहुत ही बड़ा बन रहा है अभी, इसका का कंस्ट्रक्शन काम अभी चालू है। फिर ये देखिए, और ये देखिए इसका पूरा ये इधर देखिए ये पूरा इसका सामान रखा हुआ है, मटेरियल वगैरह बनने के लिए इस साइड में। तो गाइस अभी कुछ टाइम लगेगा बनने में, लेकिन जब बनेगा तो बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा ये। ये कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, और गाय जी आप देख सकते हैं अभी हम वापस जा रहे हैं, और ये हमारा एंट्री गेट था ये वाला। इधर देखिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम, ये देखिए ये था हमारा एंट्री गेट। और फाइनली हम अब जा रहे हैं गेट से बाहर, हमने मंदिर का दर्शन भी कर लिया। ये देखिए और ये है गाय कुछ ऐसा व्यू यहाँ का, तो गाइस फाइनली आज मैंने आपको पूरा इस्कॉन टेंपल का दर्शन करा दिया। और गाइस मैं आपको बता दूं ये मंदिर काफ़ी ब्यूटीफुल है, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा हमारा सुशांत गोल्फ सिटी है पूरा, ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जगह है ये।
तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और गाइज मैं बता दूं कि अगर आप लखनऊ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे ज़रूर एक बार विज़िट करें और आपको वहाँ से लखनऊ से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में।